हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर अ ग्रेविटी फ्री हॉल इन विच अ ट्रे ऑफ मास एम, है ना, कैपिटल एम, ये वाली एक ट्रे है हमारे पास, ओके, कैरिंग अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस। ये क्यूबिकल ब्लॉक है आइस का, है ना, ये वाला जिसको मैंने ये थोड़ा सा मैं हाईलाइट किए दे रहा हूँ, ये वाला क्यूबिकल आइस है जिसका मास है हमारे पास में, एंड एज है एल, एल एज का है, इज एट रेस्ट इन द मिडल। If the ice melts, by what distance does the center of mass of the tray plus the ice system descends? ठीक है बच्चा, बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर आपने यहां पर एक कॉन्सेप्ट जान लिया ना तो सब कुछ मजा आ जाएगा। देखिए ध्यान से बेटा, सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूशन होगा इसका वो होगा, हो जाएगा जीरो। कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो क्यों होगा, है ना, सबसे पहले तो मैं इसको हाईलाइट किए दे रहा हूं। देखिए ध्यान से बेटा, हमें इसका हिंट ही यहीं पर दिया गया है। हिंट क्या है हमारे पास में, वो दिया गया है कि वो ग्रेविटी फ्री रूम है। क्या है बेटा? ग्रेविटी फ्री रूम है। एज देयर इज नो ग्रेविटी, एज देयर इज नो ग्रेविटी, है ना, कोई ग्रेविटी नहीं। और अदर एक्सटर्नल फोर्स भी कितना है? एफ एक्सटर्नल, और एफ एक्सटर्नल भी क्या है बेटा? जीरो है। ठीक है, पूरे के पूरे सिस्टम पर, ऑन सिस्टम, है ना, ऑन सिस्टम। देन द मेल्टिंग आइस टेंड टू एक्वायर अ स्फेरिकल शेप, है ना, देन द मेल्टिंग आइस, मेल्टिंग आइस क्या करना चाहती है बेटा, वो किस तरीके का शेप लेना चाहती है? टेंड्स टू एक्वायर, है ना, एक्वायर कौन सा वाला शेप बेटा? अ स्फेरिकल शेप, अ स्फेरिकल शेप। किस तरीके का शेप ले लेगी बेटा? एक स्फेरिकल शेप ले लेगी, है ना, जो कि हमारे पास में किसे सरफेस टेंशन के लिए होती है। देयरफोर द सेंटर ऑफ मास, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम, है ना, डज नॉट मूव। वो वहां का वहीं रहेगा। कहां पर? अगर वो यहां पर है तो वो यहां का यहीं रहेगा, सेंटर ऑफ मास। ठीक है बेटा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं मैं। देयरफॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम डज नॉट मूव, क्यों? क्योंकि एफ एक्सटर्नल जीरो है, देयर इज नो ग्रेविटी। ओके बच्चों, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।